गाजियाबाद में मई से लापता एक महिला के लापता होने का जब राज खुला तो न सिर्फ पुलिस बल्कि आम जनता में भी हड़कंप मच गया। इस महिला को लिव इन में रह रहे इसके साथी ने ही 19 मई को शिमला में ले जाकर जंगल में शव फेंक दिया था। वहां पुलिस ने उसका शव भी बरामद कर लिया था। गाजियाबाद के थाना इंद्रपुरम पुलिस की हिरासत में खड़ा यह शख्स है रमन। रमन गैराज चलाता है और गाजियाबाद की पौश कॉलोनी वसुंधरा में रहता है और इससे इनकी एक दो वर्ष की बेटी भी है। लेकिन दिव्या की मां से जब दिव्या का कई महीनों से संपर्क नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की। पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो पता चला कि दिव्या की हत्या रमन ने 19 मई को ही कर दी थी। रमन दिव्या को शिमला घुमाने के बहाने ले गया था, जहां पर गला खोंच कर उसकी हत्या करके शव को जंगल में ही फेंक दिया था। शिमला पुलिस ने अज्ञात लड़की का शव 26 मई को बरामद किया। उसके टैटू से और कपड़ों से उसकी मां ने उसकी पहचान की थी। अठारह बारह 2022 को वादिया जो महिला है उसकी मां ने हमसे शिकायत कंप्लेन की थी कि उसकी बेटी मई से गायब है, उनका अभी कोई अता पता नहीं पड़ पा रहा है और उन्होंने उसके पुरुष मित्र पर शक जाहिर किया था। फिर हमने उसको जब हमारे पास कुछ साक्ष्य भी थे और जब गहनता से उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि 18 मई को वो उस महिला को ले गया था कुल्लू में, वहां पर उसने गाड़ी में उसकी चुन्नी से गला घोट के हत्या कर दी थी और वहीं जंगलों में उसका शव फेंक दिया था। इसी के क्रम में 26 मई 2022 को शिमला पुलिस ने उसकी बॉडी रिकवर की थी और उन्होंने शिनाख्त के लिए जो चीजें हमको दिखाई हैं अभी उनके पास कुछ फोटोज थे, उन चीजों से इस महिला उन टैटूज और उन जितनी भी उसकी बॉडी पे मार्क्स थे उनसे इस महिला की पहचान हुई।